जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैप्स IAS Academy में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग ब्राह्म चिन्ह पढ़ रहे थे, जिसमें हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह पढ़ लिया था। विस्मयादि बोधक चिन्ह के बाद हमें पढ़ना है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो सभी लोग आ जाएं, आज क्या पढ़ना है? अवतरण चिन्ह। अवतरण ये आपके चिन्ह दिए हैं। अवतरण कौन से चिन्ह होते हैं? उद्धरण दो प्रकार के चिन्ह होते हैं। ये कितने होते हैं? इनके दो रूप होते हैं, इकेरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकेरा उद्धरण चिन्ह कौन सा है? ये वाला इकेरा और ये वाला दोहरा उद्धरण चिन्ह है। अब इसके बाद देखेंगे इकेरा उद्धरण चिन्ह। तो आपको दिया है कि किसी शब्द या वाक्यांश या वाक्य को अलग से दिखाने के लिए लेखक या कवि का नाम, कोई शीर्षक, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र का नाम इत्यादि को लिखते समय इकेरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने वो मुंशी प्रेमचंद की पढ़ी होगी, कौन सी? पूस की रात। तो उदाहरण में लिखेंगे क्या? पूस की रात, और ये चिन्ह लगा देंगे। ये क्या हो गया? इकहरा। अब ऐसे करके क्या करते हैं, जैसे प्रेमचंद लेखक का नाम, यहां से ये लगा दिया, ठीक है। अब यहां लिख लेंगे क्या, जैसे कवि वचन सुधा, क्या? कवि वचन सुधा, इकहरा चिन्ह लगा दिया। अब ऐसे लगा के जैसे लिख देते हैं आप, क्या? दैनिक जागरण, क्या? दैनिक जागरण, ये लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इकहरा उद्धरण चिन्ह हो गया। अब पढ़ेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब इसमें आपको दिया है कि परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों इत्यादि को लिखते समय दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे करके उदाहरण में लिखेंगे, सक्सेना ने ठीक कहा था कौमा, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। धीरे धीरे नहीं मिलता फिर कौमा, सिर्फ मौत ही मिलती है, क्या? यहां से आप लोग लिखेंगे, सक्सेना ने ठीक कहा था कॉमा, फिर इसके बाद लगाएंगे। इसे वैसे इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी से कहते हैं। धीरे धीरे, लेकिन आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसे किस में? हिंदी में याद करेंगे। धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत के सिवा, सिर्फ मौत ही मिलती है, क्या? सिर्फ मौत ही मिलती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह से बंद कर देंगे। अब आ जाता है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इसी को, या संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह, ये समास में नहीं लगा होता जैसे द्वंद्व समास में लगा होता है। हम पहचान लेते हैं कि द्वंद्व समास में अगर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वहां क्या कहते हैं? द्वंद्व समास होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब हम समास पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि जहाँ योजक चिन्ह लगा हो जरूरी नहीं है कि वहीं भी आपका क्या हो? द्वंद्व समास हो, ठीक है। द्वंद्व समास का मतलब होता है कि एक दूसरे के विपरीत या पूरक होने चाहिए। अब इस चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच, देखिए कहा था कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच ज
जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो, कौन हो, दोनों खंड प्रधान हो, तथा जिनमें और लिप्त हो। सहचर शब्दों के बीच दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो, कारक चिन्ह के स्थान पर सा सी से आदि से पहले लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा ना हो तो उक्त शब्द के आधे खंड के बाद योजक चिन्ह लगाया जाता है। अब जैसे आपको ये उदाहरण दिए हैं, ठीक है, अब इन उदाहरण में लिखेंगे। जैसे विपरीतार्थक में क्या लिखना है, इसमें लिख लेंगे आप जैसे माता पिता, क्या माता और पिता कोमा, पति पत्नी लिख लेंगे, पति योजक चिन्ह लगा के पत्नी, ठीक है। और दोनों खंड प्रधान हो, दोनों खंड प्रधान हो जैसे लोटा डोर, लोटा और डोर, ठीक है। जहां और लिप्त हो जैसे राम और लक्ष्मण, क्या लिखेंगे, राम योजक चिन्ह लगा के लक्ष्मण, या राम और लक्ष्मण। सहचर शब्द, सहचर शब्द कैसे, जैसे तन, तन मन और धन, ये आ जाता है कि इसमें कौन सा समास है। मिलना जुलना, इसी में लिख लेंगे मिलना और जुलना, डैश लगा के जुलना। तन मन धन में कौन सा समास है, द्वंद समास है। अब संयुक्त क्रियाएं, कौन सी संयुक्त क्रियाएं, इसमें लिख लेंगे क्या, पढ़ना लिखना, पढ़ना योजक चिन्ह लगा के लिखना, ठीक है। दो शब्द या शब्द दो बार प्रयुक्त, कितनी बार, शब्द दो बार प्रयोग, जैसे बार बार, धीरे धीरे, बार बार, धीरे धीरे, ठीक है। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद लिखना है कारक के स्थान पर, किसके स्थान पर, कारक के स्थान पर, कारक के स्थान पर, जैसे पद के भेद, क्या लिखते हैं आप लोग, पद के भेद, इसी को आप कैसे लिख देते हैं, पद डैश लगा के क्या कर देते हैं, भेद। तो देखिए कारक के स्थान पर भी योजक चिन्ह आ गया। सासी से पहले, किससे, सासी से पहले, यानी कौन सा, इसके आगे योजक चिन्ह लगाया है। इसके बाद कौन सी, तो इसके आगे भी क्या लगा दिया है, योजक चिन्ह लगा दिया। तो ये सासी से पहले भी क्या लगाया, योजक चिन्ह लगाया है। देखिए आपको योजक चिन्ह समझ में आ गया, अब आप लोग द्वंद्व समास भी पहचान सकते हो, ठीक है। कारक के स्थान पर सहचर शब्द जैसे तनमंधन, ठीक है, लुप्त लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, माता पिता, लोटा डोर, पति पत्नी, पद के भेद, कौन सा, सीसा, लिखना, पढ़ना, ठीक। अब इसके बाद पढ़ेंगे निर्देशक चिन्ह। अब ये क्या होता है, योजक चिन्ह से देखिए थोड़ा बड़ा होता है, क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, वाक्य के किसी पद का विवरण देने के लिए, अन्य किसी पद का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण करके लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे जैसे, जैसे क्या हो जाता है, जैसे किसी शब्द की विशेष, यानी कोई शब्द क्या है, विशेष हो, या फिर इसके बाद लगा देते हैं, जैसे आपने नोट लिखा तो नोट के बाद भी क्या लगा देते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं, उसी के बाद क्या लिखते हैं, नोट लिखते हैं। अब इसमें उदाहरण लिखेंगे, जैसे आपने उदाहरण में लिखा राजू, अब इसके बाद लगा दिया योजक चिन्ह, तुम घर कब जाओगे, तुम घर कब जाओगे, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, ठीक है।
ऐसे ही आप लोग एक उदाहरण और लिख लेंगे, जैसे लिख दिया कि मोहन, अब मोहन की बात लगा दिया है योजक, ये निर्देशक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे कह दिया मैंने मैं, अब मैं के बाद बिंदी जरूर लगाना, घर कल जाऊंगा, मैं घर कल जाऊंगा, ठीक है, चांद बिंदी और पूर्ण विराम ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बाद भी क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ना है आपको विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह क्या होता है। अब विवरण चिन्ह उसका नाम ही है विवरण, यानी किसी शब्द की व्याख्या करे उसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको परिभाषा दी है कि किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने अभी हाल कैसे लिखते थे आप लोग, उदाहरण, उदाहरण लिख लेते, ऐसे दो चिन्ह लगा के ये क्या लगा दिया, विवरण चिन्ह लगा दिया। आपने नोट लिखा था, नोट के बाद ऐसे ये क्या लगा दिया, विवरण चिन्ह, ठीक है। तो ये विवरण चिन्ह आपका पूर्ण हो गया। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह आपके इसमें दिए हैं तीन प्रकार के, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि चार प्रकार के होते हैं, इसमें एक और होता है, कौन सा, मंजला कोष्टक, कौन सा होता है, इसमें एक मंजला कोष्टक भी होता है, ये मंजला कोष्टक, लेकिन इसे हम हिंदी में ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, इसे हम मैथ में यूज करते हैं मंजले कोष्टक को। तो वाक्य में प्रयोग पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए, कौमा, वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य में प्रयोग पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए, वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे करके लिखेंगे सहर, सहर का मतलब क्या होता है, सुबह। अब ऐसे कोष्टक लगा दिया और यहां लिख दिया इस कोष्टक में सुबह, क्या लिख दिया, सुबह, सुबह होते ही मजदूर घर से निकल पड़े, सुबह सुबह होते ही मजदूर घर से निकल पड़े, निकल पड़े पूर्ण विराम, ठीक है। अब जैसे आप लिखते थे, जैसे किताबों में देखा होगा आपने कि भगत सिंह, भगत सिंह, अब इसमें लिख देते जैसे उत्तेजित होकर, क्या, उत्तेजित होकर, उत्तेजित होकर, इसके बाद आप लोग कहेंगे उत्तेजित होकर मातृभूमि के लिए मैं अपने अपना शीश भी दे सकता हूं। भगत सिंह उत्तेजित होकर कह रहे हैं कि मातृभूमि के लिए मैं अपना शीश भी दे सकता हूं। अब लिखना है विस्मरण चिन्ह या हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह। देखिए जब किसी वाक्य में क्या होता है कि वाक्यांश में आपका कोई शब्द छूट जाता है या कहीं त्रुटि हो जाती है, हैं, छूटे हुए वाक्य या अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, तो उसके नीचे क्या करते हैं, हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे करके लिखेंगे हमें अपना, जैसे हमने लिखा कि हमें अपना कार्य स्वयं करना, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए पूर्ण विराम। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका, यहाँ मैंने कार्य क्या किया, छोड़ दिया,
अब जैसे ऊपर ये लगा के हमने यहाँ लिख दिया कार्य, ठीक है, ये क्या विस्मरण या त्रुटिबोधक चिन्ह लगा के हमने ऊपर लिख दिया। अब जैसे लिखा कि मैं पिताजी के साथ बाजार गया, मैं पिताजी के साथ बाजार गया, पूर्ण विराम, ठीक है। अब यहाँ नीचे लगा कि यहाँ क्या बाजार हमने यहाँ छोड़ दिया था, ठीक है, ये बाजार हमने यहाँ छोड़ दिया था, पूरा लिख दिया लेकिन यहाँ छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये योजक चिन्ह या ये आपका क्या है त्रुटिबोधक चिन्ह लगा के यहाँ नीचे क्या कर देंगे, बाजार लिख देंगे, जहाँ आपको जगह मिले। नीचे जगह मिले तो नीचे लगा दीजिएगा, ऊपर जगह हो जहाँ आपको लिखने की सुविधा हो वहाँ लगा के, और ये त्रुटिबोधक चिन्ह या विस्मरण स्मरण या हंसपदक चिन्ह लगाकर आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब लाघव चिन्ह या संकेत चिन्ह, ठीक है, लघु इसे कहते हैं छोटा, से लाघव बना है, किसी प्रचलित बड़े शब्द के छोटे रूप यानी संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप लिखते नहीं हैं, जैसे आपने उत्तर प्रदेश को आप कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं उत्तर और ये प्रदेश, मध्य प्रदेश को कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, डॉक्टर को कैसे लिख देते हैं, ऐसा के लिए डा बना के ये चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। प्रोफेसर को कैसे लिख देते हैं, ऐसे चिन्ह लगा के ये लगा देते हैं, तो क्या कहते हैं लाघव चिन्ह, यानी किसी शब्द को छोटा करके चिन्ह लगा देते हैं और हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, डॉक्टर लिखा है, प्रोफेसर लिखा है, ठीक है। अब ये दिया है आपको लोक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में डेड डेस्क डेस्क कह देते हैं, कि आपको दिया है कि माता जी कहीं जाती हैं, अब उसमें लिख दिया कहाँ जाती हैं, बाजार जाती हैं, मंदिर जाती हैं, या पानी लेने जाती हैं, खाना लेने जाती हैं, और ठीक है वहाँ आपको ये चार शब्द दे दिए जाएंगे और बीच में आपको डॉट डॉट लगा दिया जाएगा, अब इसमें आपको भरना है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए, गोपनीय या अश्लील पदों को छिपाने के लिए, रिक्त स्थान दिखाने के लिए, कहानी आदि में सस्पेंस लाने या उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें कि जैसे करके लिखेंगे तभी समझ में आएगा, पुलिस वाले ने गाली देते हुए कहा, किसने, पुलिस वाले ने गाली देते हुए कहा, गाली देते हुए कहा, अब यहाँ डॉट 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 करके लगा दिया, सुधर जाओ, सुधर सुधर जाओ वरना अंदर कर दूंगा, सुधर जाओ कोमा वरना अंदर कर दूंगा, ठीक है। अब आपको लिखना है दीर्घ उच्चारण या लुप्त चिन्ह, हिंदी में से आपको पढ़ाया था इसे क्या कहते हैं, प्रलुप्त चिन्ह, जैसे आप बुलाते समय यूज करते थे स्वरों में राधा ऐसे बुलाते हुए यूज करते थे, तो हिंदी में प्रलुप्त स्वरों के उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे करके मैंने वहां भी आपको लिखाया था, ठीक है, कैसे, जैसे राधा रा करके ये चिन्ह लगा दिया और ये धा के बाद भी ये दो चिन्ह लगा दिए, इसके बाद आपसे कहा था क्या मोहन, ऐसी मोहन, ठीक है, तो ये क्या लगा दिया आपको दीर्घ उच्चारण या प्रलुप्त जिसे हम चिन्ह कहते हैं। इसके बाद दिया है आपको कि पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह,
पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह, जैसे रिपीटेशन हो जाता है किसी संख्या का। जैसे आप क्या करते हैं कि बाजार में सामान लेने जाते हैं तो उसका बनाते हैं आप पर्चा, ठीक है। घर पे मैटर बनाते हैं, जैसे संक्रांत का सामान लेने गए तो उसका मैटर बना लिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने उस पर्चा का मेथड बनाया तो आप यहाँ लिख देते हैं क्या, वस्तु का नाम, वस्तु का नाम, और यहाँ पे ऐसे बराबर लगा के लिख देते हैं मात्रा, ठीक है। ये मात्रा लिख दिया आपने। अब आपने लिखा क्या, चीनी, चीनी कितने, 5 kg, ठीक है। इसके बाद आपने लिख दिया क्या, चावल, ये भी हमें 5 किलो लाना है, तो ऐसे 2 चिन्ह लगा दिए, ठीक है। इसके बाद हमने लिख दिया दाल, अब ये हमें कितनी लानी है, 2 किलो, तो 2 kg लिख दिया। फिर दाल के बाद लिख दिया हमने क्या, अरहर की दाल, या आप कुछ भी लगा लीजिए, जैसे गुड़, तो ये हमें 2 किलो लाना है, तो इसके बाद ऐसे चिन्ह लगा दें। तो इसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, देखो किस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी आपके टीका सूचक चिन्ह हैं, जब कोई शब्द किसी पैराग्राफ में होता है और यदि उस शब्द के बारे में कुछ अलग से सूचना देनी हो तो उस शब्द पर चिन्ह लगाया जाता है और उसी चिन्ह को पैराग्राफ से अलग लगा के वो सूचना लिखी जाती है। जैसे ऐसे चिन्हों को टीका सूचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। देखिए ये लगा दिया, जैसे विद्युत की विशुद्ध निर्मल ज्योत्सना, ये अब इसके बाद ये लगा दिया, यानी ये स्पेशल टाइप है। अब यहाँ लिखा ज्योत्सना, किसका, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपके टीका सूचक हैं। ये रीजनिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं। अब आपको दिया है रेखा चिन्ह। अब जिन शब्दों या वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है उनके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप क्या करते हैं, अंडरलाइन दे देते हैं, यानी किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं, यानी जैसे आप नोट्स भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, उस शब्द के नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं। अब ठीक है, तो क्या है, विशेष है ये, मतलब ये महत्वपूर्ण है, किसी विद्यार्थी जीवन, मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं तब इसे लगा देते हैं, यानी ये हमें दोबारा से पढ़े तो हमें ये पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, सिर्फ क्या पढ़ना पड़े कि विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन काल का स्वर्णिम काल है, यानी हम इतना पढ़ के और आगे बढ़ जाएंगे, इस पैराग्राफ का पूरा निष्कर्ष हमें निकल के समझ में आ जाएगा। अब तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है, अब इसमें आप लोग लिख लेंगे उदाहरण कि इस चिन्ह का प्रयोग शब्दार्थ के लिए करते हैं, किसके लिए, शब्दार्थ के लिए। जैसे आपने लिखा क्या, पृथ्वी, अब पृथ्वी ऐसे चिन्ह लगा दिया और इसके सामने क्या लिख दिया, धरा। अब ऐसे आपने लिखा पाषाण, इसके बराबर में आपने क्या लिख दिया, पत्थर, तो ये क्या है, तुल्यता सूचक चिन्ह है, ये बराबर भी से हम कहते हैं, ठीक है। और ये आपका ये क्या है, अथवा या चिन्ह है, ये वाला, जैसे आप लिखते हैं कि 3 महिलाएं, यानी 3 मेल, या अथवा लगा देते हैं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, या 2 महिलाएं, या आप लोग इसी को क्या करते हैं, जैसे किसी चीज़ का, जैसे पृथ्वी पर या धरा पर गिरा है, तो ठीक है, तो यहाँ पृथ्वी लिख देते हैं, फिर या करके ऐसे धरा लगा देते हैं, तो ये क्या है, या चिन्ह है, यानी उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, या तो इसे पृथ्वी कहते हैं या इसे धरा कहते हैं, 2 में से कुछ कह दे, या तो 2 मैन या 2 फीमेल। अब इसके बाद आता है आपका क्या, समाप्ति सूचक चिन्ह। जैसे किसी पैरा, इसमें आप लोग परिभाषा लिख लेंगे कि किसी खेल अथवा अध्याय अथवा पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है,
अब देखिए, जैसे किताबें हैं तो किताबों में अलग अलग टाइप के चिन्ह चल रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी में तो आपका ये यूज हो जाता है, किसी में ऐसे ऐसी लाइन खींच के ऐसी बिंदी बना के फिर एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, ठीक है। किसी में ऐसे डैश डैश करके और ऐसे साइन लगा के और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और किसी में सीधी ऐसे लाइन खींच देते हैं और किसी में ऐसे ऐसे करके तीन स्टार बना देते हैं, बात ख़त्म। इसे क्या कहते हैं? समाप्ति सूचक चिन्ह। यही आपके आज की है विराम चिन्हों की अंतिम क्लास थी, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये विराम चिन्हों की दोनों कर लेंगे क्लासें अच्छे से। अब कल हम इसकी करेंगे प्रश्न, यानी अभ्यास प्रश्न करेंगे। आपने विराम चिन्हों में कितना पढ़ा है, कल इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। एक क्लास आपकी डाली हुई थी, एक क्लास आज की ये हो गई। तो इन दोनों क्लासों का बढ़िया स्पेशल तरीके से आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। क्लास को आराम से देखें, बढ़िया नोट्स बनाते रहें और हमारे साथ बने रहें, क्लास को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।